एवरीवन, आज मैं आई हूँ हाई पार्क। एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी अच्छा चेरी ब्लॉसम होता है, तो वही देखने के लिए आज हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउड है कि मैं कोई एक फ़ोटो अकेले ले ही नहीं पा रही, इतना लोग पीछे खड़े हो जा रहे हैं। सुबह से इतनी बारिश हो रही थी, मैं सोची कि जा नहीं पाऊंगी, बट इवनिंग को यहाँ पे अच्छा खासा धूप हो गया। अभी लग नहीं रहा है कि सुबह बारिश हो रही थी, और अभी 7 o'clock हो रहा है। मैं आई तो थी ड्रोन लेकर शूट करने के लिए, बट इतनी ज़्यादा क्राउड है कि मैं ड्रोन उड़ा नहीं सकती, अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी यहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है शायद, क्योंकि क्राउड ज़्यादा होता है तो लोग अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, इसलिए ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। बट आई थिंक कि मैं मॉर्निंग में आके कर सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा क्राउड नहीं होता है। यहाँ पे ना सच में ड्रोन से फोटो लेने लायक है, लेकिन अभी तो इतना ज़्यादा क्राउड है कि ड्रोन नहीं उड़ा सकते। बट स्टिल मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन आकर मैं इसको करूँ, क्योंकि फिर ये चेरी ब्लॉसम ख़त्म हो जाएगा ना, तो उतना मतलब वैसे तो पार्क सुंदर लगेगा, बट ये चीज़ हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। इतनी गर्मी लगने लगी चलते चलते, और वैसे भी टेम्परेचर ना ज़्यादा नहीं है, अब शायद समर आ गया है। यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है, और मैंने इतना मोटा जैकेट पहन लिया पागलों की तरह। एक्चुअली यहाँ के वेदर का कुछ पता चलता नहीं है ना, तो मुझे लगा शायद काफ़ी ठंड होगी। कभी कई बार दिखाता भी है 7-8, तो ऐसे बाहर में निकल के बहुत ठंड लगती है, तो इसीलिए मैंने पूरा एकदम ओवर कोट की तरह पहन लिया पूरा मोटा जैकेट, और आके बहुत गर्मी लग रही है। मैं डिनर भी काफ़ी जल्दी कर लेती हूँ 6:30 के अराउंड, और अभी 7 से भी ऊपर हो गया है, तो मुझे भूख भी काफ़ी लग रही है। तो अभी मैं यहाँ से निकल जा रही हूँ, देखती हूँ कोई नियर बाई अच्छा रेस्टोरेंट होगा तो वहाँ पे जाके डिनर करूँगी, फिर घर के लिए निकलूंगी। ये पार्क इतना बड़ा है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हम लोग बाहर निकलने की के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट अभी तक हम लोग मेन एंट्रेंस पे पहुंच नहीं पाए हैं। और इतना बड़ा ये पार्क है कि मतलब इसमें स्टेडियम भी है, बच्चों के लिए भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक पार्क के अंदर ही है, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा पार्क होगा ये। इसको देख के ना न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क याद आ गया, यहाँ पे भी आपको रिक्शा लेकर घूमना पड़ेगा, इतना बड़ा है। बट यहाँ पे मुझे रिक्शा तो दिख ही नहीं रहा है, तो हमें पैदल ही चलना पड़ेगा अंदर में, या तो अगर आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल से भी चल सकते, मतलब घूम सकते हो। बट वैसे यहाँ पे साइकिल आपको रेंट पर भी मिलता है, जैसे मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, तो ये साइकिल आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा कितने घंटे आवर्स के हिसाब से, और फिर आपको
यहाँ पे लगाना होगा, तो आराम से आप लेके पूरा पार्क घूम लो और उसके बाद वापस से आके यहाँ पे लगा दो और फिर बाहर निकल जाओ। ये आइडिया अच्छा है, पहले मैंने सोचा ही नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो यही करूँगी। फाइनली मैं बाहर आ गई। एक्चुअली मुझे इसलिए आइडिया नहीं लग रहा था क्योंकि जाने के टाइम पे हम लोग दूसरे साइड से, बैक साइड से गए थे, मेन जो एंट्रेंस था वहाँ से नहीं गए थे, तो इसलिए पता ही नहीं चल रहा था कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। बट बहुत बड़ा, अच्छा हम लोग बैक साइड भी देख लिया और इधर भी देख लिया। वैसे भी हम लोग पूरा नहीं घूम पाए, जहाँ पे चेरी ब्लॉसम होता है बस वहीं पे हम लोग गए और वहाँ से ही देख के वापस आ गए। फिर हम लोग कभी और आएंगे या फिर अभी ही मैं सोच ट्राई करूँगी किसी वीकडेज में आकर ड्रोन से शूट करूँ, सो दैट कि जहाँ पे भीड़ ना हो ज़्यादा तब मैं अच्छे से कैप्चर कर पाऊँ। और समर में भी, समर तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, बट यहाँ पे पिकनिक वगैरह मनाने भी आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। टोरंटो में इंडियन रेस्टोरेंट की कोई कमी है नहीं, तो यहाँ पे पास में मुझे दिखा दिल से रेस्टोरेंट जो बहुत काफ़ी फेमस है, तो अभी वहीं पे जा रही हूँ मैं खाना खाने के लिए। वैसे काफ़ी लेट हो चुका है, 8 बज गया, मेरा डिनर टाइम आज लग रहा है 9 बज जाएगा। इतनी ज़्यादा भीड़ है, लाइन में लोग लगे हुए हैं, अभी शायद हम लोग को 10-15 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग आज लेट हो चुके हैं और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा यहाँ पे, बट स्टिल आए हैं तो अब खाना तो खाना बनता है क्योंकि काफ़ी फेमस है ये और इतना ज़्यादा क्राउड है, तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। देखते हैं कैसा होता है। ऑलमोस्ट 9:30 हो गया है, अब हम लोग निकल गए। आधा घंटा वेट करने के बाद हमें मिला वहाँ पे, हमने तंदूरी चिकन मोमोज खाया, वो काफ़ी टेस्टी था, बट जो खाना फिर हमने लिया थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि मुझे इतना टेस्ट अच्छा नहीं लगा। वैसे मैं कुछ और ऑर्डर कर रही थी, मुगलाई चिकन हांडी था जो कि वहाँ का स्पेशल था, मैं वो ऑर्डर कर रही थी, बट उन लोगों ने सजेस्ट किया कि ये मीठा होगा, तो मैं बोली नहीं 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 फिर तो मुझे नहीं खाना। फिर उन लोगों ने चिकन टिक्का मसाला बोला कि ये अच्छा होगा, ये ऑर्डर कर लो आप, वो मैंने ऑर्डर किया, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और लेट भी इतना हो चुका था कि मेरा खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि मैं डिनर 6:30-7 o'clock के अराउंड कर लेती हूँ और इट्स ऑलमोस्ट 9, तो ठीक है कभी अच्छा कभी बुरा। एक्चुअली लास्ट टाइम हम लोग गए थे वहाँ पे संजीव कपूर खजाना पे गए थे, तो वहाँ पे बहुत अच्छा था, वैसे ही एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ पर भी आए थे, बट वहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो उसके टक्कर में कुछ भी नहीं है ये। मे बी शायद हम लोगों ने कुछ रॉन्ग च्वाइस कर लिया हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि तंदूरी मोमो जो था वो काफ़ी अच्छा था। इट्स ओके, समटाइम्स होता है। तो अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं, रात तो काफ़ी हो गई है, बट यहाँ से थोड़ी दूर में, यहाँ से भी मेट्रो जाती है, बट यहाँ से थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा 8-9 मिनट का वॉक है, तो अच्छा ही लग रहा है। अभी ठंड इतनी है नहीं, तो 8-9 मिनट का वॉक करने के बाद हम लोग मेट्रो लेंगे और वहाँ से डायरेक्ट ही फिर हमारा विक्टोरिया पार्क पहुँचा देगा।